का बेटा जग्गू कौवा खुद तो कोई काम ढंग से करता ना, मगर वो चिड़िया के बेटे कुकू से बहुत जलता था। कुकू, क्या तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? हाँ जग्गू, मैं घर जाकर सबसे पहले अपना होमवर्क ही मुकम्मल करता हूँ। स्कूल के रास्ते में जाते हुए जग्गू कौवा कुकू से ऐसे पूछता है। वो स्कूल पहुँच जाते हैं। कुकू, आपको इंग्लिश के टीचर बुला रहे हैं। अच्छा, तुम मेरे बैग का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। कुकू अपना बैग जग्गू के पास रख कर चला जाता है। मैं जल्दी से कुकू का होमवर्क खराब कर देता हूँ ताकि मेरे साथ साथ इसे भी तोते टीचर से मार पड़े। जग्गू कुकू के बैग से उसके नोटबुक्स निकाल कर कुकू के होमवर्क पर लाइंस लगा देता है और होमवर्क खराब कर देता है। क्लास शुरू होती है, तोता टीचर जग्गू से कहता है। जग्गू, अपना होमवर्क चेक करवाओ। टीचर, मेरे पेट में बहुत दर्द था इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं लिख सका। आप हर रोज ऐसे ही करते हो, कल अगर होमवर्क ना किया तो मार पड़ेगी। फिर टीचर कुकू का होमवर्क चेक करता है। कुकू खुश था क्योंकि उसने तो होमवर्क किया था। कुकू, ये क्या, ऐसे भी कोई होमवर्क लिखता है? इतना गंदा काम, कल इसे दोबारा लिख कर लाना। ये देखकर कुकू हैरान हो जाता है। टीचर जी, मगर मैंने अपना होमवर्क नीट किया था। नहीं नहीं टीचर, कुकू भी होमवर्क दोबारा ही लिखेगा। ऐसे जग्गू कुकू को तंग करता है। कुकू बेटा उठे और सोने से पहले अपने दांत अच्छे से साफ कर ले। फिर कुकू वॉशरूम में जाता है और अपने दांत अच्छे से साफ करता है। वो हर रोज अपने दांत साफ करके सोता, उसकी मम्मा उससे बहुत खुश थी। जग्गू उठो बेटा, जल्दी से अपने दांत साफ कर लो। जग्गू वॉशरूम में जाता है, पानी की टूटी खुली छोड़कर थोड़ी देर बैठकर जग्गू दांत साफ किए बिना ही बाहर आ जाता है। वो हर रोज ऐसे ही करता था। दांत साफ कर लिए मेरे जग्गू ने? हाँ मम्मा, अच्छे से साफ कर लिए। दूसरे दिन भी जग्गू ऐसा ही करता है, वो कभी भी अपने दांत साफ ना करता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जग्गू के मुंह से गंदी बू आने लगती है। क्लास में जग्गू सबक सुना रहा था। ये गंदी बू कहाँ से आ रही है? कीकी जल्दी से बोलता है। टीचर टीचर, जग्गू से कहे मुझसे लड़ाई ना करे, मगर आप खुद जा कर ले, ये गंदी बू जग्गू के मुंह से आ रही है। सब बच्चे हंसने लग जाते हैं। झूठ झूठ। जग्गू बेटा, आप अपने दांत साफ करते हो क्या? हाँ टीचर, मैं हर रोज अपने दांत साफ करता हूँ। स्कूल से वापसी पर कुकू और जग्गू एक साथ थे। जग्गू, वो देखो गुलाब का फूल, चलो पास जाते हैं। जग्गू और कुकू गुलाब के फूल के पास आते हैं। कैसे हो दोस्त? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पूरा खिल चुका हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जैसे ही जग्गू बोलता है, रोज अपना मुँह दूसरी तरफ कर लेता है। गंदी, बहुत गंदी बू आ रही है आपके मुंह से, आप अपने दांत साफ नहीं करते हैं? जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है। जग्गू, अगर ऐसे करोगे तो हर जगह आपकी ऐसे ही बेइज्जती होगी। मगर जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आज जग्गू की बहुत बेइज्जती हुई। स्कूल में भी जग्गू के मुंह से गंदी बू आ रही थी और मेरे दोस्त रोज ने भी जग्गू से बात नहीं की क्योंकि उसके मुंह से बू आ रही थी। इसलिए तो बेटा मैं आपसे कहती हूँ कि हर रोज सोने से पहले अपने दांत जरूर साफ करें। आज तो जग्गू वॉशरूम में अपने पापा का मोबाइल लेकर बैठा था। वो अपने दांत साफ करने की बजाय मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जग्गू, जग्गू बेटा, दांत साफ कर लिए? हाँ हाँ मम्मा, मैं अभी आया। जग्गू जल्दी से मोबाइल अपने पीछे छुपाकर वॉशरूम से बाहर निकलता है। जग्गू के पापा, कुछ दिनों से घर से बू आ रही है। ये सुनकर जग्गू जल्दी से अपनी सांस रोक लेता है, वो डर जाता है। लगता है कोई चूहा होगा हमारे घर, चूहे कौन सा नहाते हैं इसलिए उनके शरीर से गंदी बू आना शुरू हो जाती है। आज स्कूल से छुट्टी थी, सब दोस्त जग्गू कुकू कीकी और बुलबुला बगीचे में तितलियां देखने जाते हैं। मैंने आप सबका बहुत इंतजार किया। हमें आज स्कूल से छुट्टी थी इसलिए आज हम आपसे मिलने आए हैं। मुझे आपके रंग बिरंगे पंख बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारी दोस्त हो। आप सभी बहुत अच्छे हैं।
मेरा रंग काला है, मगर मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जैसे ही जग्गू बोलता है, उसके मुंह से गंदी बू के कारण तितली पीछे हट जाती है। तितली थोड़ी दूर जाकर जग्गू से कहती है, यहाँ आओ जग्गू, मेरे पास आओ। जग्गू तितली के पास जाता है। मैंने आपको बाकी दोस्तों से अलग इसलिए किया कि आपकी बेइज्जती न हो। आपके मुंह से बहुत गंदी बू आ रही है, क्या आप अपने दांत साफ नहीं करते हैं? नहीं, मैं हमेशा वॉशरूम में जाकर झूठ बोलता हूँ। मैं अपने दांत साफ करने की बजाय वॉशरूम में जाकर अपने पापा के मोबाइल पर गेम खेलता हूँ। इसी कारण अब आपके मुंह से गंदी बू आने लगी है। सब ऐसा ही कहते हैं। मैं भी आपसे दोस्ती करूँगी, सब आपसे दोस्ती करेंगे जब आप अपने दांत साफ करेंगे। फिर जग्गू अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आज जग्गू कुछ बदल गया है। वो सीधा घर जाता है और वॉशरूम में जाकर अपने दांत अच्छे से साफ करता है। आज तो वो पूरा आधा घंटा ब्रश से अपने दांत साफ करता है। उस दिन के बाद से जग्गू हर रोज सुबह और शाम अपने दांत साफ करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से कीटाणु खत्म हो जाते हैं और उसके मुंह से बू आना भी खत्म हो जाती है। कुकू, चलो रोज से मिलते हैं। जग्गू, मगर तुम्हारी मुंह की बू से रोज नाराज हो जाएगा। नहीं कुकू, मैंने खुद को बदल लिया है, अब मैं अच्छे बच्चों वाले काम करूँगा। मैं रोज अपने दांत साफ करता हूँ। फिर वो रोज के पास जाते हैं। शुक्रिया दोस्त, आपने मुझे एहसास दिलाया, मैंने अपने दांत साफ कर लिए, क्या अब आप मुझसे दोस्ती करेंगे? रोज मुस्कुराने लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे दोस्ती करके, आप मेरी खुशबू ले सकते हैं। जग्गू बहुत खुश था, अब तो तितली ने भी जग्गू से दोस्ती कर ली थी। जग्गू को वह खुद को बदल कर पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। भैया, आप हमारी पड़ोसी हो, हमें पता चल गया है कि अच्छे पड़ोसियों से बढ़कर कुछ नहीं है, आप यहाँ ही रहेंगी। आपके बेटे की तरह मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। मुझे तो पहले ही पता था मेरा बेटा आपको पसंद आ ही जाएगा, चांद जैसा है मेरा बेटा। रिश्ते तो और भी बहुत थे, परंतु मैं अपने बेटे की शादी किसी गरीब परिवार में नहीं करना चाहता था। हम तो बहुत अमीर हैं, हमारा बड़ा कारोबार है और पूरे जंगल में कोई नहीं है जो हमारी बराबरी करे। गोरी बहन, बाकी सब तो ठीक है, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बताएं बताएं बहन जी, क्या बात है? आपके घर के पास में जो एक टूटा सा घर है, वो किसका है? वो घर एक गरीब चिड़िया का है, हमारा उस चिड़िया से कोई लेना देना नहीं, हमने कभी उससे बात भी नहीं की। मुझे अच्छा नहीं लगा, जब मेरे रिश्तेदार आएंगे तो क्या कहेंगे कि हमने अपनी बेटी की शादी गरीबों की बस्ती में की है। किसी तरह से उस चिड़िया को वहाँ से भगा दो, बाकी सब ठीक है। आप चिंता ना करें, ये कोई बड़ा काम नहीं है, हम उस चिड़िया को यहाँ से भगा देंगे। फिर वो बूढ़ी कौवी अपनी बेटी के रिश्ते की बात तय करके वहाँ से चली जाती है। पापा, वो चिड़िया आंटी कैसे भागेगी यहाँ से? अगर वो ना गई तो क्या मेरी शादी नहीं होगी अमीर परिवार में? भागेगी भागेगी क्यों नहीं, तुम्हारे पापा ऐसे उल्टे काम बहुत अच्छे से करते हैं। गोरी, मैं अभी चिड़िया के पास जाकर उसे समझाता हूँ। कालू भैया, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ से क्यों चली जाऊँ? मेरा घर है ये, टूटा है तो क्या हुआ, मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मेरे बेटे की शादी नहीं होगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कहीं गरीबों की बस्ती में चली जाओ, अगर ना गई तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत डर जाती है।
नहीं नहीं कालू भैया, मैं चली जाऊंगी। आप मेरे बेटे को कुछ मत कहना। ये हुई ना बात, मुझे पता था तुम समझदार हो, मेरी बात समझ जाओगी। क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, बहुत मजा आने वाला है। तरह तरह के भोजन होंगे, खूब मस्ती करेंगे हम सब दोस्त मिलकर। जग्गू, क्या कुकू भी आएगा तुम्हारी शादी में? नहीं, वो गरीब है। मम्मा पापा को गरीब पक्षी पसंद नहीं है, और मेरी होने वाली सास भी गरीब पक्षियों को पसंद नहीं करती। कालू का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा किकी ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कुकू भी आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ और कहीं और जाकर बैठ जाओ। जग्गू, कुकू भी हमारे ही जंगल में रहता है, आप इसे यहाँ बैठने से क्यों मना कर रहे हो? हम सब दोस्त मिलकर झरने पर जाते हैं, आपको बुलाने आया था। झरने पर, और वो भी तुम्हारे साथ? मेरे मम्मा पापा तो तुम्हें जंगल से ही निकालने वाले हैं। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम गरीब हो और मैं अमीर कौवा जग्गू। जग्गू है नाम मेरा। कुकु रोता हुआ वहाँ